क्या बात है, यहाँ क्यों बुलाया? पहले अंदर आओ। ओह माय गॉड, क्या हुआ सर? आपको किसने मारा? मैंने मारा। ए, कोई इस तरह प्रोफेसर को मारता है क्या? ए, तू जानता है इसने क्या किया? चाइना से 300 करोड़ रुपए लिए हैं इसने। ऑपरेशन रेड नाम का कोई खतरनाक मिशन है। ए, बताता है या? ऑपरेशन रेड का मतलब चाइना इंडिया से करने वाला है बायो वॉर। बायो वॉर मतलब? एक जमाने में देश आपस में तलवारों से लड़ते थे, उसके बाद बंदूकों से, लेकिन अब जमाना है न्यूक्लियर वॉर का, जहां पर अपने घर में बैठे बैठे देश के देश तबाह किए जा सकते हैं। लेकिन इस बायो वॉर में बंदूक नहीं, रॉकेट भी नहीं, इट्स अ वायरस। सिक्स्थ सेंचुरी में होंगसिंग नाम के वायरस से चाइना में बहुत लोगों की मौत हुई थी। उसी वायरस को फिर से बनाकर इंडिया को शमशान बनाने के लिए डोंगली नाम के स्पेशलिस्ट को यहां भेजा गया है। उसने उस वायरस को एक गली के कुत्ते में इंजेक्ट कर दिया है। अब ये गली का कुत्ता 24 घंटे में ये बीमारी खाने के जरिए फैला देगा। hey, hey, hey! अब तक बहुत से कुत्तों में ये बीमारी फैल गई होगी। कुत्तों से इंसानों में भी ये जल्दी फैलेगी। किसी जमाने में साइंटिस्ट हर बीमारी की दवा की खोज करते हैं, अब नई नई बीमारियों की खोज करते हैं। इस बीमारी की दवा कोई नहीं खोज सकता, लेकिन चाइना में इस दवा की खोज हो चुकी है 1600 सालों पहले बोधिधर्मन नामक एक महान पुरुष के नुस्खे के जरिए। अब इस बीमारी से सिर्फ 60 दिनों में हमारी आबादी में से 30 लाख लोग मारे जाएंगे और हमारा देश इस बीमारी की दवा के लिए लाचार हो जाएगा। चाइना तब अपनी दवा का ऐलान करेगा और उस दवा के बदले चाइना भारत से अपनी सारी मांगे मनवा लेगा, और यही है वो बायो वॉर। तो तुम सुधा के पीछे क्यों पड़े थे? आज से 3 महीने पहले सुधा की थीसिस को मैंने चाइना भेजा था। बोधिधर्मन के डीएनए रिसर्च से चाइनीज दंग रह गए। अगर बोधिधर्मन की काबिलियत और शक्तियां किसी में वापस आ गईं, तो भारत इस बीमारी की दवा बना लेगा। उसी को रोकने के लिए तुम्हें और सुधा को वो मारना चाहते हैं। अच्छा, तो ये गेम है। पैसे के लिए देश को बेच दिया। पहले ही देश में नकली डॉक्टर, नकली दवाइयां हैं, अब नई बीमारी भी पैदा कर दी। साले, ये बीमारी तेरे परिवार को हो गई तो? अरविंद, वन सेकेंड, वन